मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण में 59% मतदान हुआ। अन्य चरणों के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और गोवा में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से वन ओशन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के मतदान की तिथि बदली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश भर में संक्रमित लोगों की दैनिक औसत संख्या निरंतर घट रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन के वार्षिक उद्यान उत्सव का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने कहा देश में बिजली की वर्तमान स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 391 गीगावाट उच्चतम मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सरकार ने वाहन निर्माताओं के लिए वाहनों में 6 एयरबैग और चालक सहित 3 सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया। केंद्र सरकार ने कहा काम के सरकारी कार्यालयों में 8 घंटे से लेकर 12 घंटे काम करने का कोई इरादा नहीं। राज्यसभा में आज आम बजट 2022-2023 को लेकर चर्चा होगी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। मुरुगन में भाजपा कार्यालय त्रिपुरा में दशकों से विस्थापित ब्रू समुदाय के लोगों ने स्थायी घरों में रहना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान हुआ तेज। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। केरल सरकार ने कोविड परीक्षणों और PPE किट की लागत कम करने की घोषणा की। सेंसेक्स 58,900 से ऊपर और निफ्टी 17,600 के स्तर से ऊपर पहुंचा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अप्रैल अनुबंध वाला सोना 90 रुपए की तेजी से 48,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चल सकती है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आज मौसम साफ, तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना बताई जा रही है। कोलकाता और चेन्नई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना बताई जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में के अपार्टमेंट में छत ढहने से 2 लोगों की हुई मौत और कईयों के फंसे होने की आशंका दिखाई जा रही है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। कल फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।